बहुचर्चित भीमा कोरेगांव घटना रे एनआईएर बड़ खुलासा। मोदी सरकार विरोध रे होइतिला सांघातिक षडयंत्र। दलित आ संख्यालघु को बाटबणा करी सेमानक हाथ रे हथियार धरेबाकु करा जायतिला चक्रांत। एथिरे शामिल थिले बामवादी नक्सली संगठन। घटनार अभियुक्त मानक ठारु मिलिछि प्रमाणयोग्य तथ्य। भीमा कोरेगांव मामलें एनआईए करिछि एक सांघातिक षडयंत्र पर्दाफाश। मोदी सरकार को बदनाम करने तैयारी चक्रांत। दलित एवं संख्याघु संप्रदायर लोक मानूला बाटपणा से एकाठी कर एक सशस्त्र संगठन गढ़ापी मसुदा अभियुक्त जबत होता दस्तावेज रू मिली प्रमाण। एनआईए सूत्र जमापड़ सांप्रदायिकता को विरोध करने नाँ एक संगठन या चली योजना। एथिरे दलित और एक निर्दिष्ट संख्याघु संप्रदायर लोक जोड़ापी रखा जाता लक्ष्य। सेथिपाई तमिलनाडु कर्णाटक महाराष्ट्र एवं गुजरात इत्यादि राज्य में विभिन्न संगठन भी तैयारी कर हिंदू संगठन गुड़िक दलित और संख्याघु संगठन हिंसात्मक संघर्ष रचा जाता योजना। एनआईए द्वारा दाखल होता चार्जसीट्रे कहमलें गत सप्ताह रांची में गिरफ होता स्टान स्वामी माओवादी गतिविधि को प्रोत्साहित करने सीपीआई माओवादी नहीं 8 लाख टंका स्टेन घर ए बाबदे बहु आपत्तिजनक कागजपत जबत हो जो मिली गुरुत्वपूर्ण प्रमाण। बामवादी कमरेड मानक सांकेतिक भाषा विनिमय होता चिठी और सहर से गरिला युद्ध किपर चला जापर से बाबद किसी पुस्तक जबत हो आउ जड़े आरोपी रोना विल्सन पाखुपरी अनेक तथ्य। सबुठ सांघातिक कथा दलित और निर्दिष्ट संख्याघु संप्रदाय लोक बाटबणा कर आतंकवादी प्रशिक्षण दि जाऊला नक्सल मानक एथपाइला नियोजित एसबू चक्रांत मोदी सरकार विरोध में। अन्यतम अभियुक्त गौतम नवलखा मोदी सरकार विरोध में देश और देश बाहर बुद्धिजीवी को एकाठी करार दायित्व नहीं से 2010 रु 2011 मध्य तीन थर आमेरिका गस्तरे जाता से केवल से नुहे पाकिस्तान आईएसआईर सक्रिय सदस्य या गुलाब नबी फैज सहित सबुबले संपर्क गौतम। एथिरु जड़ा पड़ुछि भीमा कोरेगांव घटन होता षडयंत्र चेर क्यों पर्यंत लंबी और कि प्रकार सांघातिक उद्देश्य षडयंत्रकारी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।